यहाँ पांडव रुके थे वनवास काल में, तो उस टाइम की कुछ गुफाएं बनी थी जिनको पांडव गुफाएं कहा गया और वाटरफॉल का नाम पांडव फॉल हो गया। तो यहाँ जो नेचुरल झरने गिरते हैं 12 महीने गिरते हैं, तो गर्मी में एसी जैसा प्लेस लगता है ये। और मंदिर है गुफाओं के ऊपर जिसका रास्ता बंद हो गया है जाने का, तो पहले वो लोग पूजा पाठ किया करते थे। कुछ गुफाएं जो आप बाहरी हिस्सा देख रहे हैं रिनोवेट करवाया गया है राजाओं के टाइम पर। फिर पांडव यहाँ से भीमकुल होते हुए राजस्थान गए थे अलवर, जिसको विराट नगरी कहा जाता था। लिखनिया है क्या लिखने के लिए? ये पांडव गुफाएं हैं। पांडव मतलब अपना महाभारत वाले पांडव, वो पंडवन में रुके थे ना, पंडवन के बाद यहाँ आए थे पांडव, यहाँ के बाद भीमकुंड गए थे। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ वो रुके तो उनके नाम पर जगह होती थी। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर आता है प्लेस, तो इसलिए पांडव फॉल के नाम। ये वनवास के टाइम पे देखे हैं? हाँ, के टाइम में जो आएंगे जंगल में, नहीं तो राजा रह के जंगल में क्या कर रहे हैं? अज्ञातवास। हाँ, अज्ञातवास में बीता था राजस्थान का अलवर। अच्छा, ये फिक्स जगह है, ये रास्ता जो है वहाँ से जाता है और वापस इसी रास्ते से आना है। तो गुफा कहाँ है? वो सामने दूसरी गुफाएं उनके टाइम के कहाँ है? अब कहाँ, 5,500 साल काफी होता है। ये कहाँ था उनका गुफा? यही था उसी के अंदर। अच्छा, फिर वो रिनोवेट करवाई गई है, ऋषि मुनि रुकते थे ना, बाबा लोग रुकते थे। अच्छा, इसमें छिप गए थे वो, हम जान ना पाए दूरी होने। ऊपर से वो निगरानी कराया रहा होगा, उसके सैनिक जो थे ना वो ढूंढते रहते थे। यहाँ भी जंगली जानवर काफी, धार्मिक मार्ग के अतिरिक्त वन क्षेत्र में ना जाए, जंगली जानवर बहुत होंगे यहाँ पर। ये जो पेड़ों में निशान बने हैं खरोंच के, ये भालू में है, सब भालू में खरोंच है, सब भालू के पंजों के निशान है। जो अर्जुन का रिश्ता था ना दबाई, इसी की खाल होता है अर्जुन के पेड़ों में। ये राजा महाराजाओं का शिकार रहा था, हंटिंग रूम बोलते थे ना, जो कोठी वगैरह जंगल के भीतर बनवा लेते थे, तो वो जगह है, यहाँ शिकार के लिए राजा लोग रुकते थे। अब इसको रिपेयर करके स्टाफ रूम कर दिया है। ये जो पानी है जड़ी बूटियों का पानी है, आप पी सकते हैं इसको, 12 महीने गिरता है। पहले छत में जाते थे यहाँ से चढ़ के, तो वो मंदिर है शंकर जी का, कुछ और मूर्तियाँ भी है दूसरे देवी देवताओं की। कोरोना के पहले छत क्रैक हो गई थी तो रास्ता बंद कर दिया है। ये पांडव गुफाएं हैं, इनके जो भीतर गेट करवाया गया है, अंदर से दिखते हैं क्या? अंदर एक कमरा है जो आप देख सकते हो, भीतर नहीं जाने को मिलेगा। क्या है, बरसात में कचरा भर जाता है तो सांप वगैरह होते हैं, उस कारण से गर्मी में सफाई होती है। यहाँ काई बहुत लगी है, कोई गिरना नहीं, इसी दरवाजे से वापस आ सकते हैं। ये झांक सकते हैं, एक रूम लगा हुआ है,
चलो उतर जा, चलो कुछ नहीं है, ऐसे ही छोटा सा ही है, कुछ नहीं छोटा सा ही है, जैसे हट होता है, देख लो। वापस इसी तरफ से हम काई में भी जाएंगे।